अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डॉग्स कॉइन इस वक्त जो है 0.0066 सेंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और कल की वीडियो के अंदर जो मैंने ट्रेड सेटअप शेयर किया था, ठीक है, डॉग्स कॉइन के ऊपर, और अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जो है इसके पॉसिबल ट्रेड सेटअप शेयर किए थे, तो अगर आपने वो ट्रेड्स ली हैं तो आपको जो है होल्ड करनी चाहिए या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और ओवरऑल जो है आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर जो है डॉग्स कॉइन की प्राइस के अंदर हमें नेक्स्ट मूवमेंट क्या देखने को मिल सकती हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्री सिग्नल्स और अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी से ज्वाइन कर लें, क्योंकि कुछ ऐसी अपडेट्स होती हैं जो कि मैं अपने जो है सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही शेयर कर सकता हूँ। जैसे कि डॉग्स कॉइन की ट्रेड के अंदर सुबह जो है मैंने 5% तक प्रॉफिट भी बुक किया, 50% तक मैंने ट्रेड क्लोज कर दी। तो ये चीज़ मैं इंस्टेंट यूट्यूब के ऊपर तो अपडेट नहीं कर सकता, तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी से ज्वाइन कर लें। दोस्तों, डॉग्स कॉइन के ओवरव्यू की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि 6% तक पिछले 24 घंटों के अंदर इसकी प्राइस ड्रॉप हुई है। 344 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप है, 213 मिलियन डॉलर इसका जो है हमारे पास इस वक्त वॉल्यूम है पड़ा। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कोई न्यूज़ या अपडेट देखने को नहीं मिलती। इसके लिक्विडेशन मैप की तरफ जाएं तो इस वक्त आपको देखने को मिलेगा कि डाउनवर्ड की लिक्विडेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है बनिस्बत के इसकी अपर साइड की लिक्विडेशन के। अपर साइड की लिक्विडेशन 0.0074 सेंट तक है, जबकि डाउनवर्ड की लिक्विडेशन जो है 0.0057 सेंट तक है पड़ी। तो लिक्विडेशन के मुताबिक तो प्राइस ड्रॉप करनी चाहिए, लेकिन टेक्निकली इस वक्त देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास जो है BTC भी ने भी जो है अपने लिक्विडेशन जोन को होल्ड करके बाउंस बैक दे दिया हुआ है। और यहाँ पर जो है इस वक्त फॉरवर्ड के चार्ट के ऊपर भी अगर BTC की स्ट्रक्चर को देखा जाए तो BTC जो है हमें बुलिश दिखाई दे रही है, जो कि दिखाई दे रही है कि 62,000 डॉलर तक जो है BTC की प्राइस आसानी से जा सकती है। यानी कि जब तक BTC की प्राइस 62,000 डॉलर तक जा सकती है, आल्ट कॉइन भी मज़ीद अच्छा खासा पंप कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो है अगर इस वक्त डॉग्स कॉइन को देखा जाए डेली टाइम फ्रेम चार्ट से, तो आपको जो है डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर देखने को मिलेगा कि हमारे पास जो है यहाँ पर जो है अगर एक तो हमारे पास डेली कैंडल आज की बुलिश देखने को मिल रही है, दूसरा पिछले 4 दिनों के बाद ये हमारे पास न्यू जो है डेली कैंडल बुलिश लगी है। और इस वक्त MACD और RSI भी अगर आप डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे कि ओवरसोल्ड जोन से जो है ये बुलिश हो रहे हैं, और ये जो है पॉजिटिव साइन है टेक्निकली भी इंडिकेटर्स के मुताबिक कि यहाँ से जो है डॉग्स कॉइन की प्राइस जो है वो कुछ हद तक जो है हमें अच्छी रिकवरी दे सकती है। और फॉरओवर के चार्ट के ऊपर जितना आप लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स के ऊपर जाते जाएंगे, आपको इस वक्त देखने को मिलेगा कि हमारे पास प्राइस एक्शन के मुताबिक भी आप देखेंगे तो आपको करंटली आपको कैंडल की स्ट्रक्चर ही बता रही होगी कि ये जो है वो बुलिश कैंडल की स्ट्रक्चर है पड़ी। यहाँ पर देखें अगर ये करंट कैंडल भी फॉरओवर की देखें तो काफ़ी हद तक जो है बुलिश वॉल्यूम है पड़ा इसके अंदर। और अगर आप इंडिकेटर्स वगैरह भी टेस्ट करते हैं MACD और RSI वगैरह, तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास MACD और RSI 4 ओवर चार्ट के ऊपर भी बुलिश हैं बड़े, और 2 ओवर चार्ट के ऊपर भी अगर आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास जो MACD और RSI दोनों जो है वो बुलिश देखने को मिल रहे हैं। सेम अगर जो है हम इस वक्त जो है 1 ओवर के चार्ट के ऊपर भी चले जाएँ तो आपको 1 ओवर के चार्ट के ऊपर भी जो है यहाँ पर MACD और RSI बुलिश देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ जाहिर करती है कि इंडिकेटर्स के मुताबिक जो है इस वक्त प्राइस 1 ओवर 4 ओवर 2 ओवर चार्ट के ऊपर बुलिश है, और प्राइस एक्शन के मुताबिक भी मुझे जो है प्राइस टोटली बुलिश नज़र आ रही है, जो कि यही इंडिकेट करती है कि अगर BTC एटलीस्ट मिनिमम भी यहाँ पर जो है हमारे पास 62,500 डॉलर तक चला जाता है तो डॉग्स कॉइन की प्राइस है जो है वो मिनिमम जो है हमारे पास 0.70 सेंट से लेकर 0.75 सेंट तक जो है वो जा सकती है। तो अगर आपने डॉग्स कॉइन के ऊपर हमारे दिए गए सेटअप के मुताबिक एंट्री ली हुई है तो आप जो 0.70 सेंट से लेकर 0.75 सेंट तक मिनिमम जो है होल्ड कर सकते हैं। बट एक चीज़ शर्त है कि आपने अपना जो है स्टॉप लॉस टाइट लगाए रखना है, जो कि बिना स्टॉप लॉस के इस वक्त मार्केट के अंदर ट्रेड करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। और अगर आपकी कोई ट्रेड वगैरह स्टक थी, आपने 0.70 सेंट या 0.75 सेंट के ऊपर ली थी, तब भी आई थिंक आपको ट्रेड होल्ड करनी चाहिए और 0.70 सेंट या फिर 0.75 सेंट के ऊपर जो है आप अपनी इंटायर ट्रेड क्लोज करके ब्रेक इवन पर भी एग्जिट कर सकते हैं। तो ये जो है इसका शॉर्ट टर्म पॉसिबल सिनेरियो था। और बात रही लॉन्ग टर्म की, बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि भाई हमें बताएं क्या ये लॉन्ग टर्म के अंदर दोबारा से जो है अपना न्यू ऑल टाइम हाई लगाएगा, तो भाई चांसेस हैं बड़े। ये कॉइन फंडामेंटली मीम कॉइन स्ट्रॉन्ग है, अगर इस मीम कॉइन की हाई बनती है तो इसके लिए जो है यहाँ पर ऑल टाइम लो से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 200% पम्प करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आने वाले बुल रन के अंदर ये अपना न्यू ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है। अपडेट और पॉसिबल सिनेरियो समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
फ्री सिग्नल्स और अपडेट के लिए जो है आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी से ज्वाइन कर लें, और ट्रेडिंग के अंदर लॉसेस कर रहे हैं तो हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसकी डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। व्हाट्सएप का नंबर दिया होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर रब्ता करके भी आप वीआईपी ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।